हेलो गाइस, वेलकम टू हिंद कोच। मैं हूँ वंदना। इस वीडियो लेसन में स्टडी करते हैं वर्ब हैव से रिलेटेड कुछ वर्ड्स, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव। हमें जनरली इनका मीनिंग नहीं पता होता और हम इसका गलत प्रयोग करते हैं, तो आइए इनका मीनिंग जानते हैं ताकि हम इसका सही यूज़ कर पाएँ। तो आइए देखते हैं। शुड हैव, शुड हैव का मतलब होता है पास्ट रिकमेंडेशन। शुड, शुड हम सलाह के लिए यूज़ करते हैं, एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं। तो शुड हैव जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में रिकमेंडेशन यानी कि पास्ट में कोई सलाह अगर आप देना चाहते थे, जैसे कि होना चाहिए था, ये काम होना चाहिए था, करना चाहिए था, सलाह दे रहे हैं लेकिन पास्ट में। जैसे कई बार मम्मी कहती है तुम्हें होमवर्क करना चाहिए था, तुम्हें ये काम टाइम पे पूरा करना चाहिए था। पास्ट में रिकमेंडेशन, सलाह। शुड हैव, आई शुड हैव ईटन ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मुझे इस सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहिए था। आई शुड हैव लिसन्ड टू हिज एडवाइस, मुझे उसकी सलाह माननी चाहिए थी। पास्ट में सलाह, भूतकाल में सलाह, ये काम करना चाहिए था, होना चाहिए था, तुम्हें समय से सो जाना चाहिए था। क्लियर गाइस, शुड हैव। अब देखते हैं कुड हैव का क्या मतलब होता है। कुड हैव का मतलब होता है पास्ट अनरियल एबिलिटी। अनरियल जो रियल नहीं है, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। यहाँ पे मैंने अनरियल क्यों यूज़ किया है, क्योंकि रियल होता अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे होते, लेकिन हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो रियल तो हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में तो वो काम हो नहीं रहा, पास्ट में हो रहा है, इसलिए अनरियल। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता यानी कि क्षमता। मेरे अंदर उस काम को करने की योग्यता थी, क्षमता थी, लेकिन मैंने नहीं किया। पास्ट कुड हैव, मैं कर सकता था। कुड हैव, कर सकता था, योग्यता थी, क्षमता थी, लेकिन नहीं किया, कर सकता था। कुड हैव। कैन जो मॉडल होता है उसका यूज किस लिए होता है, एबिलिटी के लिए, योग्यता या क्षमता के लिए। वैसे ही कुड उसका पास्ट हो गया, कुड हैव, कर सकता था, एबिलिटी थी लेकिन किया नहीं। गाइस, जैसे हम बोलते हैं ना तुम उसकी मदद कर सकते थे, तो कुड हैव। आई कुड हैव हेल्प्ड हिम बट आई डिडंट, मैं उसकी मदद कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की। कुड हैव, क्षमता थी, एबिलिटी थी, योग्यता थी लेकिन नहीं की, कर सकता था। आई कुड हैव गॉन विद हिम, मैं उसके साथ जा सकता था, मैं उसके साथ जा सकती थी, योग्यता थी, क्षमता थी लेकिन किया नहीं। कुड हैव, कर सकता था। वुड हैव, वुड हैव क्या दर्शाता है, पास्ट अनरियल एक्शन। अनरियल क्योंकि वो पास्ट में है, रियलिटी तो है नहीं। एक्शन, कार्य, मतलब ये कार्य किया होता या कार्य कर चुका होता। वुड हैव, मैं ये काम कर चुका होता। वुड हैव, अब पास्ट में। कई बार होता है ना, हमें रिग्रेट होता है जब हम कुछ पास में कर नहीं पाते, काश मैं ये एग्ज़ाम पास कर चुका होता, अगर मैंने थोड़ी मेहनत और की होती, मैं इस गोल को हासिल कर ही लेता, कर चुका होता, चुका होता, किया होता। आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, मैं समय पर पहुंच चुका होता। ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन को पास कर लिया होता, कर चुका होता, वह एग्ज़ाम पास कर चुका होता। तो कार्य, एक्शन पास्ट में अगर हो चुका होता या कर चुका होता तो हम क्या बोलेंगे, वुड हैव। ये एक्शन को दर्शाता है, पास्ट में अगर एक्शन हो चुका होता या किया होता। आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, मैं समय पर पहुंच चुका होता। ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन को पास कर चुका होता। माइट हैव, माइट हैव क्या दर्शाता है, पास्ट अनरियल स्मॉल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, स्मॉल बहुत छोटी संभावना। माइट बहुत थोड़ी सी अगर संभावना होती है। आई माइट हैव सोल्ड द कार, मैं कार बेच चुका होता। संभावना थी, प्रोबेबिलिटी थी कि मैं बेच चुका होता, लेकिन बहुत थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी। माइट का यूज़ हम थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी, थोड़ी सी उसके लिए करते हैं जब थोड़ी सी संभावना होती है। आई माइट हैव सोल्ड द कार, मैं कार बेच चुका होता। आई माइट हैव लॉस्ट यू, मैं तुम्हें खो चुका होता। सो गाइज, माइट हैव का प्रयोग स्मॉल प्रोबेबिलिटी पास्ट की संभावना के यूज में होता है, अगर ये काम हो चुका होता, संभावना प्रोबेबिलिटी। वुड हैव एक्शन, कार्य किया होता, चुका होता। कुड हैव, कर सकता था, एबिलिटी थी, योग्यता थी, पास्ट में कर सकता था। कुड हैव, योग्यता।
Could have क्या दर्शाता है past की योग्यता या क्षमता को, कर सकता था. Would have किया होता, कार्य कर चुका होता, ये भी unreal action, action काम को दर्शाता है कि किया होता, कर चुका होता. Might have संभावना, probability थी, ऐसा होता, संभावना थी, मैं कार बेच चुका होता, बेच सकता था. I might have sold the car, संभावना थी. I might have lost you, मैंने तुम्हें खो दिया होता, संभावना. जब हम संभावना की बात करते हैं तो हम might have का यूज़ करते हैं. Should have सलाह, पास्ट में, तुम ये काम करना चाहिए था, तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा होना चाहिए था. पास्ट में जब हम कोई सलाह देते हैं, रिकमेंडेशन, तो हम क्या यूज़ करते हैं, शुड हैव. I hope guys, now it is clear to you. Please do like, share and subscribe our channel, Hind Coach. Thank you.